जिंदगी में लग्जरी की चाहत इंसान के अंदर बढ़ती जा रही है। लोग जीवन की बेहतर सुविधाओं की चाहत में गांवों को छोड़कर शहर आते हैं। ऐसे दौर में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ऐसा गांव भी है जो इस तरह की सुख सुविधाओं से कोसों दूर है। यहां बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क की तो आप यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। और तो और बारिश के दिनों में चार पहाड़ियों से घिरे इस गांव का संपर्क देश दुनिया से कट जाता है। इन सब के बावजूद इस गांव में जिंदगी बेहद खुशहाल है। शायद नक्सलवाद से लड़ रहे बस्तर का ये सबसे खुशहाल गांव है, जहां लोग बाहरी कोलाहल से दूर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इंसान चाहता है कि उसे सारी सुविधाएं मिले और उसका जीवन सुखमय हो, लेकिन बस्तर जिले में चार पहाड़ियों के बीच गहरी खाई में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को इस तरह की सुख सुविधाओं की चाह ही नहीं है। उनकी अपनी अलग जिंदगी है। आसमान छूते पेड़ों वाला जंगल, कल कल बहता झरना, तरह तरह के फूलों की खुशबू और एक सुकून देने वाली हवा के साथ ही इस गांव में बहुत कुछ है। इस गांव का नाम कुंडुम खोदरा है। ये गांव दरभा ब्लॉक पूर्व पंचायत का हिस्सा है। दंडकारण्य पठार में पहुंचने के लिए केशकाल घाट चढ़कर 7 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। इसी रास्ते पर दूसरी तरफ कुंडुम खोदरा तक पहुंचने के लिए लोगों को 60 किलोमीटर नीचे गहरी घाटी में उतरना पड़ता है। कच्चे वन मार्ग और चार पहाड़ी नालों को पार कर जब कुंडुम खोदरा पहुंचे और चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो ये जगह एक लैंडलॉक एरिया जैसी नजर आई, जो चारों ओर पहाड़ से घिरी है। चार पहाड़ियों से घिरे इस गांव के उत्तर में टांगरी, दक्षिण में साधु, पूर्व में तूरे और पश्चिम में उदय नाम की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से पानी बस्ती में आता है और यही इस गांव के जीवन का आधार है। ये गांव स्कूल पारा और लोहरा पारा नामक दो बस्तियों में बटा है। गांव की कुल आबादी 403 है, जो 102 घरों में रहते हैं। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर माडिया आदिवासी परिवार हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि ये बस्ती करीब 200 साल पुरानी है। बिसपुर से 7.5 किलोमीटर दूर कुंडुम खोदरा गांव में चार पहाड़ी नाले हैं। बारिश के दिनों में जब इसमें पानी चढ़ता है तब सास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। अपनी इस छोटी सी दुनिया में इस गांव के लोग पूरी तरह खुश और आबाद हैं।